अरे यार मधु, साला कहाँ हो रहा है आज? हमारा पप्पू बार बार झटक के बाहर निकल जा रहा है। अच्छा, हमको क्या पता ऐसा काहे हो रहा है। हमको तो लगता है आपका ये ढीला हो गया है जी। अरे पगला गई हो, हमारा पप्पू साला आज भी इतना टाइट है, ऊपर बैठ के झूल जाओगी ना तो साला टस से मस नहीं होगा। शाबाश बेटा। तो फिर काहे ऐसा हो रहा है? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अरे बाप रे, ये तुम्हारे ब्लेंडर का वाल ढीला हो गया है। What? और दो दूधी बाहर भी निकल आया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे यार मधु, तुम्हारा ब्लेंडर किसी काम के लायक नहीं रह गया है, अब क्या होगा? अरे हाथों से काम नहीं ना चलेगा। ये सब भी तुम ही ना किए हो। वो कड़क मस्तानी तेल लगाकर चार दिन से बिना रुके हुए लगे हुए हो और हमको बिना काम का कर दिए हो। बड़े हरामी हो बेटा। अरे तू काम हाथ घुसा रहे हैं, ठीक है? और तुम भी तो कूद कूद के मजा ले रही थी। सुना गो अमर, ये क्या कहे हैं हम कुछ? अब कोनो इलाज तो होगा ना? नहीं हमें तो नहीं लगता कि हो पाएगा, बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे। पर अब क्या करें? हम अपना दीपक कैसे बुझाएं? तुम्हारा दीपक बुझाएं, हमारा दीपक का सत्यानाश कर दियो तुम्हारे दीपक।